रिकॉर्ड 20 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 20 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस इन द 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट picks up the nearest potato, runs back with it, drops in the bucket, runs back to the pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and see continue in the way same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to be run? ठीक है, total distance निकालना the competitor run करना। टोटल डिस्टेंस बताइए क्या है। देखो बेटा, जे कोई कॉम्पिटिटर है, मान के चलो जे कोई किसी को भी ले लूं मैं साथ में, ये हमारा ऋषि है, ठीक है। एक पोटैटो रेस में ऋषि ने भाग लिया है, ठीक। अब कैसी है ये पोटैटो रेस? पोटैटो रेस देखी कभी किसी ने तुम में से? पोटैटो रेस किसी ने देखी है? नहीं देखी? नो सर। देखिए ये क्या करेगी, इधर खड़ा होगा कॉम्पिटिटर हमारा हैंग पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब ये जो है 5 मीटर रखा हुआ है इससे दूर, 5 मीटर पहला पॉइंट, 5 मीटर का डिस्टेंस है ये यहाँ से, ठीक है। अब यह करेगी, पोटैटो यहाँ पर रखा होगा, एक पोटैटो यहाँ से उठाएगी, यहाँ डालेगी, फिर दौड़ के आएगी, फिर 3 मीटर वाला पोटैटो उठाएगी, फिर डालेगी, फिर दौड़ के आएगी, फिर यहाँ पर एक पोटैटो रखा होगा, फिर यहाँ पर डाल देगी बकेट में, फिर दौड़ के आगे आएगी, फिर यहीं से भगेगी ना वो, तो फिर आएगी, फिर इसमें डाल देगी, फिर आगे चल के इसमें डाल देगी, ऐसे करके डालती रहेगी इसमें। यहाँ से उठाया यहाँ पर डाल दिया, यहाँ से उठाया यहाँ पर रख दिया, इसे यहाँ पर उठाया यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से उठाया यहाँ पर रख दिया, मतलब जाएगी फिर आएगी, फिर जाएगी फिर आएगी, फिर जाएगी फिर आएगी, फिर जाएगी फिर आएगी, फिर जाएगी, मतलब ऐसे करती रहेगी। तो ये रेस होती है सर। और फिर पहले तो पहला पोटैटो रखा है 5 मीटर पर, फिर जितने ही पोटैटो रखे हैं सबका डिस्टेंस 3-3 मीटर एक दूसरे से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको? नहीं आई समझ में? अभी भी नहीं आई? आ गई सर। नहीं आई समझ? नहीं आई? अच्छा जी बताओ, मैं कुछ देखने जा रहा हूँ, सब सब अपनी बुक की तरफ देख रहे हैं, क्वेश्चन देखते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक अप to pick first potato, then run drop it in the bucket, then run drop, run and drop, it in the bucket, कितना हो जाएगा बताइए भैया। क्या बोला मैंने तुमसे? अगर उसने पहला वाला पोटैटो उठाया है हमसे, समझना जरा बात, जो कि इधर रखा हुआ है, वो यहां खड़ी है रेस में, ठीक है, यहां से वो दौड़ लगाती है, तो पहले क्या करेगी वो? 5 मीटर कवर करेगी और फिर 5 मीटर कवर करेगी, तो कितना करेगी बताओ? 10 मीटर सर। हैं? 10 मीटर। 10 मीटर कवर करेगी ना, क्या लिख सकता हूं मैं? अगर मैं यहां पर 10 मीटर लिखूं तो कोई दिखता है? किसी को दिक्कत है 5 आने में? अरे
एयरिंग हैज स्टॉप्ड एंड द विंडो इज क्लोज। लुक लुक कैसे हो रही है सर? स्क्रीन नहीं दिख रही है। ये एक मिनट रुक जाओ, मेरे को भी नहीं दिख रही। ठीक है, नेट वाला मर गया मेरा, पता नहीं अपने आप पता नहीं कैसे बंद हो गया। स्टोर के लिए स्क्रीन कैसे बंद हो गई मेरे को समझ नहीं आया, यहाँ तो कुछ ऐसा दबाया ही नहीं है। क्वेश्चन पता नहीं कहाँ पड़ता मिल गया। आप दिख रही है स्क्रीन? देखी? यस सर। कैसी दिख रही है? यस सर, सर लोडिंग लिखा आया है। लोडिंग हो रही है सर। लोडिंग हो रही है, जो लिखा पड़ा था सब चला गया मेरा, फिर से लिखूंगा। ये दिक्कत होती है लोडिंग लोडिंग, फिर से देखो भैया फिर से लिख सकते हैं क्या करें, मजबूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से देखना था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक फर्स्ट पोटैटो उठो बेटा एंड ड्रॉप इट इन द बकेट। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक द फर्स्ट पोटैटो देन ड्रॉप देन रन एंड ड्रॉप इट इन द बकेट, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बताओ? मैंने बताया था अभी तुम लोग को 10 मीटर सर। 10 मीटर कवर नहीं करेगा बताओ, साल तक बताओ कितने मीटर कवर करेगा? 10 मीटर सर, उसके बाद सर फिर 10 यार्ड 16, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। हाँ हाँ ऐसे बढ़ता जाएगा, सही बात है। देखो यहाँ से जो बैठा हुआ, यहाँ से बैठी थी, यहाँ से उसे गई गो, तो उसने उठाया पोटैटो, यहाँ से उठा के डाल दिया, 5 मीटर गई और 5 मीटर आई, 5 मीटर गई और 5 मीटर आई, 10 मीटर तक कवर किया इसने। फिर उसके बाद क्या किया इसने देखो, अब 3 मीटर, अब एक पोटैटो उधर रखा हुआ है तो बढ़ते जा रहा है उसका मीटर, 3 मीटर बढ़ गया ना, अब यहाँ से दौड़ के गई 3 मीटर और बढ़ गया इसका, मतलब 5 मीटर जीता और 3 मीटर जी बढ़ गया था, मतलब 8 मीटर चली, 8 मीटर गई और 8 मीटर लौट के आई, तो कितना हो गया 16। उसके बाद फिर 3 मीटर बढ़ गया इसका, 5 3 8 3 9, 8 3 कितने होते? 9 होते भैया, है ना? क्यों अनंत? नहीं सर, बोलते क्यों नहीं हो? उठ जाओ उठ जाओ। ठीक है, उठ जाओ, सो के उठ जाओ थोड़ा। सर बन गया सर। बन गया, ये भी जनरेट हो रही होगी, बना लो ऐसे ही। जनरेट हो गया सर पूरा, बस कुछ है ही नहीं है उसको। इसको नहीं आया तो मेरे से बोलो, मैं बताऊंगा उसको, हैंड रेस कर दो, इसको नहीं आया। क्वेश्चन बड़े जरूर होते हैं लेकिन वो बच्चे जैसे होते हैं। 5 + 5 = 10 meter फॉर सेकंड पोटैटो, सेकंड पोटैटो कितना उठाएगी? 8 + 8 = 16 meter, थर्ड पोटैटो कितना लेगी? 11 + 11 = 22 meter। अब इनका समेशन कर देना, चलती जाएगी, कहाँ से जा रही है, कितने पोटैटो उठाना है इसको? 10 उठाना है शायद, 10। यस सर, तो एन का 10 दिया हुआ है, निकाल लो यार, सिंपल क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी? मैं जिससे पूछ रहा हूँ 370 बराबर है, सही आया शॉर्ट तक। अमन, अमन बहुत कम दिखते हो बेटा, कभी 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 सुबह दिख जाते हो, बहुत बड़ी बात है। शाम को शायद आ रहे हो कि नहीं? कर रहे हैं सर, अभी क्या नहीं कर रहे सर? आते तो हैं सर, जाते हैं।
आते हो सो जाते, सोने नहीं आते बेटा अपन? नहीं नहीं, अरे नहीं सोते सर, सोने नहीं है ठीक है, उन्होंने बोला ना आते yes, सो जाते हैं। नो सर नो सर। जल्दी करके बताइए सबके, सब सबसे आंसर चाहिए मेरे को, नहीं तो किसी को आलू नहीं खान दूंगा आज घर में। जल्दी करो, हो गया अभी तो आंसर नहीं आया, जल्दी करो, बल्लियां उठानी है अभी तो, बल्लियां रखी है बहुत सारी, 200 लॉक्स रखे हुए हैं, आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो टू इट सो ऑन, इन हाउ मेनी रोज आर द 20 आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप। ये चाय मिलेगी, चाय दे दो भैया, ये बंद मर जाएंगे। अरे भैया सो गए क्या सबके सब, क्या दिक्कत है यार, तुम उसके लिए क्यों सो जाते हो भैया? अमन आंसर कहाँ है? नो सर नो सर, नहीं सोए सर, आंसर तो बता दे भाई मेरे सर। 370 मीटर सर, चैट पे तो भेज दिया सर बहुत देर से। चेक पे नहीं, मेरे को कैश चाहिए, कैश, चेक पे आंसर किसी का नहीं चाहिए, कैश में आंसर चाहिए, कैश में। यस सर यस सर। अच्छा आज की बात आप कैश में भेजेंगे ठीक है, चेक से बात कोई नहीं करेगा। चलिए उठाओ जो बल्ली, उठाओ जल्दी से सार्थक, क्या रख दिया सामने तुमने, उठा के साइड में रखो इसको सर, कुछ दिख नहीं रहा उस साइड का मेरे को, इतनी सारी बल्लियां बल्लियां रखी हुई है। चलिए 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर, इस मैनर में रखे हुए 200 लॉक्स रखे हुए, इस मैनर में रखे हुए, किस मैनर में देखते हैं, 20 लॉक इन द बॉटम रो, भैया 20 लॉक रखे हुए नीचे वाली रो, 19 रखे हुए, 18 रखे हुए, अगले में 17 आएंगे, ऐसे कितने आएंगे, ऐसे कितने बनेंगे, कौन बताएगा? 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, ट्वेंटी लॉक्स इन द बॉटम रो, नीचे वाली रो में 20 लॉक्स होते हैं, 19 इन द नेक्स्ट रो, डी माइनस वन एन निकालना है, एन अरे एन निकालना है, एन निकाल लेंगे, निकाल लेंगे एन, एन निकालना है, यस सर एन निकालना है, कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे सर, डी माइनस वन हो जाएगा, डी माइनस वन हो जाएगा, हाँ ठीक है निकालो, तो फिर क्या दे रही है, फिर किस बात की उलझन है, तो सुलझन ही सुलझन है, तो उलझन की हो रही है, निकालो सर 19 और हाँ सर माइनस वन हो जाएगा डी। अरे मेरे को ये बताओ, मेरे को एन निकाल के बताओ भैया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, बताओ एन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, देखो अभी किसी ने एंट्री मारी है, कौन है हमारे इक्वेशन करता है सर, हाँ
नंबर ऑफ बुक्स का 16 है सर। 16 है, 16 आ रहा है जी सर। 25 भी आ रहा होगा फिर तो। नहीं आ रहा 25 सर, रोज का है सर नंबर ऑफ रोज। क्या बेटा? रोज का है सर नंबर ऑफ रोज, वो सर 16 है। एक सर माइनस फोर भी आ रहा तो सर माइनस फोर हो नहीं सकता। माइनस फोर क्यों नहीं हो सकता? ये सर माइनस फोर कैसे हो जाएगा? माइनस फोर क्यों नहीं हो सकता बताओ सार्थक? यस म्यूट तो ऑन करो ये। तब उसे वो अरे सर क्या पता है ऐसा कोई जवाब भी नहीं है सर। हाँ सर एन की सर दो वैल्यू आई सर 16 और 25। हाँ वो तो एन की वैल्यू दो आएगी 16 और 25 तो 25 तो क्लास में ही है सर। 16 वाली लेंगे सर हम। यहाँ पर ए 25 माइनस 4 क्यों नहीं हो सकता बताओ जल्दी से, कौन बताएगा सर? उसमें माइनस 4 आ रहा सर। सबसे टॉप वाली रो की वैल्यू क्यों नहीं होता पर और माइनस में क्यों नहीं हो सकती सर? माइनस में कैसे हो सकती सर लकड़ी? अरे तुम ये सोचो ना, रखे हैं दिख नहीं रहे होंगे तुम्हें, हमने माइनस में रखे हैं आखिरी लगी साहब सर। कैसे एक गजब बाट काटते हैं सर कभी कभी क्या होता है ना कि ऊपर रखा हुआ जो है दिखता नहीं है कि ना आपको रखा है हमने दिख नहीं रहा है आपको क्या करें हम बताओ। माइनस में रखा है हमने वो नीचे वाला गट्ठा उठा के ना नीचे ऊपर वाला गट्ठा उठा के नीचे रख दिया था सर। हाँ हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर टॉप रो। तो टॉप रो में कितने होंगे बताओ? 5। चले भैया आगे। यस सर। मतलब हमारी कितनी रो जा रही है? N16 तक जा रही है, 16 वो जा रही है अपनी नंबर ऑफ जो बन रही है। सही है। चलिए भैया ये एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गई आपकी है ना पूरी, अब क्या करना है इसके बाद? सर ट्रिग्नोमेट्री सर। अरे हाँ सर ऑप्शनल वाली भी सर करवा दी। ऑप्शनल वाली ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल है हमारे लिए, आप लोग करेंगे उसको। स्टार्ट हो जाइए पहला क्वेश्चन, ठीक है? ऑप्शनल वाली भी कंप्लीट होगी, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। करिए स्टार्ट हो जाइए जल्दी से, पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए।
भैया एक हाथ का भी भाव है कोई इसका हुआ है सर? फर्स्ट वाला बता दीजिए सर, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। वो कह रहे थे सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओ, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी आप, ठीक है? चलिए पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी बोले, है ना? क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है सर पैरेलल अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा अच्छी बात है, मंत्र है ना ये ट्रिग्नोमेट्री का। अभी तक तो बेटा फॉर्मूले हैं, पता नहीं आगे चल के क्या बन जाए, कुछ कह नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समझ में किसको नहीं आया? विच टर्म ऑफ द एपी दिस 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 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कौन था इसको नहीं आया क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन करना तुम्हें ही है, मैं नहीं करूंगा ये क्वेश्चन, ऑप्शनल है ये हमारे। सर बस सर आप उसको सर समझा दीजिए सर क्वेश्चन सर। समझा दे तो बचा ही क्या है? अगर मैं समझा ही दिया तो बचा ही क्या बताऊं? चलिए किसी ने नहीं किया मतलब? हाँ एक बार आपने एक फॉर्मूला बताया था क्वेश्चन नंबर 18 या 16 17 इसमें कुछ, वो फॉर्मूला मैं लिखना भूल गई थी सर, एक बार और दोबारा बता दीजिए। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आज से 2 साल पहले। नहीं नहीं अभी 2 दिन पहले। अरे यार सर आप कहाँ पहुंच जाते, 5.2 का 17 क्वेश्चन आपने कहा था ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा उसके लिए। मैंने फॉर्मूला 17 क्वेश्चन 5.2 का ना मैंने उसको नोटबुक में लिखा ना बुक में लिखा। कौन सा फॉर्मूला कर रही है ऐसे? सर वो वाला बताया था सर आपने ln = सर ln = n - l। यार हां 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 जब एपी यहां से चालू होती है ऐसे यहां पर 2 4 8 10 6 बीच में गायब कर दिया मैंने, 2 4 6 8 10 चलते जा रहे चलते जा रहे भाई साहब चलते जा रहे, अब कहाँ तक चलते जा रहे? 16 तक नहीं 18 तक 20 तक चल जाए, चलते 20 तक, ठीक है? अब मेरे को यहाँ से इस साइड का टर्म निकालना है, तीसरा कौन सा होगा? तो मैं ln is equal to l minus n minus 1 into 2 ये लिखाया था तुमने, ये फॉर्मूला होगा जो भी टर्म निकाल रहा है यहाँ से, इसको ए मान लेते हैं, ए वन ए टू ए थ्री यहाँ से ए की उल्टी चलती है, इस केस में फॉर्मूला डायरेक्ट ये लगाना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? मतलब ही नहीं है, एल एन निकालना है, इसका भी टर्म निकालना है, एल माइनस वन लास्ट माइनस वन एन माइनस वन एन माइनस वन जितना भी टर्म वो दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है? उस हिसाब से लगाए थे, चलिए नोट कर लेना, प्लस नहीं है यहाँ पर, एल एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इन टू डी, बात ध्यान से सुनना मेरी। यहाँ पर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.2 मेरा सर 31.2 आ रहा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, चलो अपन इसमें बात करेंगे, इसका भी आया है। D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 121, ठीक है? नहीं सर, अरे नहीं सर, माइनस फोर नहीं सर, इक्वल टू 21 सर, माइनस फोर, उठ जाओ उठ जाओ। D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस फोर, यस सर। हम लोग जब सुबह सुबह ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो पता, मैंने एक बार क्या किया कि रावत सर पढ़ा रहे थे, हमारे अखिलेश रावत सुबह सुबह बगल में बैठ के पढ़ा रहे थे मेरे को 12th क्लास में मैथ वो फिजिक्स, तो उन्होंने मेरे से पेन मांगा, पेन। अब मेरे को क्या पता, मैंने सुबह सुबह पेन उठाया और रिफिल अंदर दे गई घर में, एक पीछे से निकल के और वो पेन पकड़ा दिया मैंने, वो ऐसा पेन देख रहा है वो मेरी तरफ देख रहा है, मैंने क्या हो गया सर, मैं बड़ी कॉन्फिडेंस में हूँ, मैंने पेन दिया सर को। उसकी रिफिल गिर गई यार मेरे घर पे, मैंने तो मेरे से बोल रहा ऐसे करके दूंगा तो सुबह से होश में आ जा मेरे से कर। मैंने कहा सर मैं होश में तो हूँ, मैंने क्या गलत कर दिया? कह रहा मुझे बेवकूफ बना रहा है, पेन में रिफिल कहाँ है, घर पर छोड़ गया। मेरी आदत थी
रिफिल निकाल के मैं आराम से कान के आसपास घुमाता रहता था यहाँ पर, ठीक है, तो मेरी आदत थी ऐसी करने की, निकल को सिर को ऐसे करके ऐसे करने लगता था पढ़ते तो मैं रिफिल निकाल लेता था, रिफिल मेरे को रिफिल का जो निब होती ना निब, तो उसको ऐसे ऐसे सिर पर चलाने मजा आता था, तो फिर मैं ऐसे करता रहता था, तो मेरे को वही आदत थी और वही मैंने जाके मैंने पता नहीं था मैंने पैर में रिफिल डाली कि नहीं डाली रात में, और मैं सो गया, सुबह जाके वही पैर उठा के चला गया और बाकी में रावण सिंह ने देखा तो कह रहा है से होश में आ जा कह रहा ऐसे ऐसे कांड मेरे साथ हुए हैं, तो मेरे को अपने सोच की मैं खुद हंसी आने लगती कभी कभी, ठीक है चलिए भैया। तो क्या बोला है विस्टम ऑफ द एपी 121 116, इसलिए सुबह की नींद खराब होती है ये बात मैं मानता हूँ, सुबह उठ जाते हो तो आधा दिमाग कहीं और रखा रहता है, विस्टम ऑफ एपी 121 सर अब तो उठ उठ की मेरी आदत हो गई, उठना अच्छी बात है सुबह उठना, विस्टम ऑफ द एपी 121 117 130 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा इस एपी का, तो भैया इसको ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना, तो ए एन कितना निकालना है हमें, निकालना है ए एन को, ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा 125, इसको सॉल्व कर लो भाई सर, 121 है सर, 121 प्लस में एन माइनस वन इंटू डी कितना है माइनस फोर, एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 125 माइनस का 4n, ठीक है, अब क्या निकालना है फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है, कैसे निकालेंगे भैया, इसमें सिर्फ गिवन है, है क्या दिया हुआ है n लेस देन 0, क्या क्या n लेस देन 0, हमें तो ये पता है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म जब निकालना है तो वही टर्म होगा जो क्या होगा जीरो से छोटा होगा, ये बात तो मानते हो ना भैया, ये बात नहीं मानते तुम लोग, तुम लोग मानते क्या सर, मानते सर, सर भगवान मानते, तो मैं ये नहीं कह रहा भगवान को मानते, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, ठीक है ना, ये बात दिमाग में रखो, तो पता नहीं क्या सोच लेते हो सब, ठीक है क्या हो जाएगा, समझ में आया ये बात, तो क्या आएगा मेरे पास 31 सर 31 पॉइंट कुछ आएगा 32 उसको राउंड ऑफ क्या आया है 32.25 यानी कि n इज इक्वल टू मान लो 32 वो टर्म होगा मतलब अप्रोक्सीमेट, क्योंकि n इससे बड़ा है ना, इससे बड़ा कितना बड़ा होगा, थोड़ा सा माना अपनी तरफ से मान लिया, तो अपना दिमाग लगा लिया करो, थोड़ा सा आप भी कुछ हो अपने आप को मान लिया करो, ऑप्शनल एक्सरसाइज है, इसमें से 31 नहीं मान सकते सिर्फ, इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि n जो है इज ग्रेटर देन इससे, ठीक है, तो वो कम हो जाएगा, ठीक है 32 वो टर्म होगा, निकाल के देख लो जरा 32 है कि नहीं है वो टर्म, तो कर लो जरा 121 117 113 करते चले जाओ जरा, कितने कितने का माइनस फोर कम करते चले जा सकते, करके देख लेना घर पे, करना घर पे बैठे करना, कभी ऐसे डाउट हो तो करना, ठीक है, ऐसे डाउट उठते हैं तो करा करो घर पे बैठ के, क्या खोद रहे भैया सुबह से, क्या चूहे हुए हो क्या तुम, क्या खोद रहे सुबह से, गाय की आवाज आ रही, किसी घर में से आ रही थी मैंने सर, मुझे हंसी आ रही है डस्टबिन में, कुछ भी बोलते मतलब सर, हां बस क्या मतलब समझ में नहीं आती, अरे कोई खोद रहे हो घर में बैठे, कोई खुदाई उदाई चल रही हो ऐसी आवाजें कैसे आ रही है कानों में, गुजगुजती अजीब ही लगती है ऐसी आवाजें करते रहते सर, आपने पहले शक्तिमान का नाम दिया था ऐसे अच्छा मतलब तुमने निकाली थी ऐसी आवाज,
बोल पा रहा था आज, मैं बताओ कैसे करेंगे भैया इसको सर? सर मुझे कल अपने मेहनत पे डाउट उठ गया एक। मैं बताऊंगा बताऊंगा बात, थोड़ी देर बाद बात करना है इस विषय में, ठीक है? अपन बात करेंगे, पहले अगला क्वेश्चन कर लें। चलो, बहुत भयानक भयानक क्वेश्चन है इसमें, इसलिए कह रहा हूँ। The sum of the third term and the seventh term of AP is 6. Third term and seventh term of an AP is 6. किसका सम बोल रहा है? तो भैया T3 मान लें इसको, या A3 मान सकते हो, मानना चाहो। लेकिन मैंने वहां पर, मैं जो AP ले रहा हूँ उसमें इसी बोली है, the product is 8, the sum of the first 16 term क्या निकालना है इसमें? Sum of the first 16 term of an AP, ठीक है? अगर मैं इसको ऐसे कर लूं, A3 प्लस में A7 इज इक्वल टू दिया हुआ है 6, ठीक है ना? A3 क्या होता है? A3 क्या होता है? A प्लस 2D, और A7 क्या होता है? A प्लस 6D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 6। तो A इज इक्वल टू क्या जाएगा सॉल्व करने, बताओ ये कौन बताएगा? सॉल्व करने पे क्या आएगा? A इज इक्वल टू 6 माइनस 6, बताइए कौन बताएगा? 3 माइनस 4D ये आएगा। और उसने क्या बोला है? The product of and their product, दोनों का product क्या बोला है इसने? कितना है? 8 है। तो A3 into A7 is equal to कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ है। इसका मतलब A plus 2D और A plus 60 is equal to दिया हुआ कितना? 8 into कर लो इनको, product करो, क्या होगा product करने पे? Quadratic equation बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यही करना तुम लोग, करो। प्रोडक्ट मतलब क्या? ए की वैल्यू मैं निकाल ली ना यहाँ पर, कितनी आई है? पुट कर दें प्लस, अब अरे सर हाँ ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2D और जो जाएगा 3 माइनस 2D, ये हो जाएगा ना 3 माइनस 2D, 3 प्लस 2D होगा। यस हाँ सही है, 3 प्लस, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का A² - B² 2 का स्क्वायर। चलो अनंत उठ गया है, 9 माइनस का सर, सो नहीं रहे थे सर, आवाज नहीं आती ना क्लास में। लीड करना सीखो बेटा क्लास में, लीड। जब लैग करना स्टार्ट हो गया ना, एक बार जब लैग किया तुमने तो लाइफ चली जाएगी। कभी देखना फ्लाइट जब टेक ऑफ होती है तो बहुत अच्छी लगती है, जब लैंड होते हैं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्रैश ही होती है सीधी। तो लाइफ को भी ऐसा माना करो, जब आप नीचे को आओगे ना जिंदगी में तो क्रैश ही होगी सीधे, उठ नहीं पाओगे कभी, उठना सीधे। D is equal to क्या हो जाएगा? 1/2 आगे, D is equal to 1/2, A is equal to क्या जाएगा? बोलो कौन बताएगा? अरे भैया A is equal to बता दो, D क्यों रखे महाराज? 1 बस, अब क्या निकालना? उसने क्या बोली है? The sum of the first 16 term of AP. Sum of the first 16 term of an AP. निकाल लो बस, सम कर दो। कैसे करोगे?
बताइए n by 2 2a plus n minus 1 into यार ऐसा फॉर्मूला लगाए कर देंगे बस s 16 निकाल लो जरा निकाल के दिखाओ मेरे को कितना आ रहा है निकालिए भैया सार्थक कहाँ चले गए अरे सर यही है सर सॉल्व कर रहे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है कह रहे नहीं आ रहा सर सर भैया ऐसे से सर दो वैल्यू आ रही सर उसकी उसकी तो ही आएंगी थी 76 सब 20 आ रही 76 सर सर दो आंसर 20 और 76 जो कि सर रूट पर टू हैं 76 सर कुछ नहीं सर सर दो वैल्यू है सर 16 एस 16 की दो वैल्यू आ रही है इसका मेरे साथ दो ही आ रही है दो आ रही है सर सर वो तब आएंगे सर जब हम डी की वैल्यू सर माइनस वन बाई टू मानेंगे सर क्योंकि सर डी की दो आएंगी ना आधे सर डी में सर कॉमन डिफरेंस की वजह से आ रही होगी हाँ मैं एक चीज लिखना भूल गया प्लस माइनस सर 1 बाय 4 अपॉन 2 प्लस माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन 2 यस अरे यार दो वैल्यू आ गई अब वो तो मैं क्यों कॉमन डिफरेंस की वजह से आ गई ठीक है सर मेरा भी अभी अभी ध्यान गया था ध्यान नहीं दिया मैंने बिल्कुल चलिए ठीक कॉमन डिफरेंस की वजह से आ गई मेरे तुम लोग के चक्कर में चैट ठंडी हो गई अगला वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी से A ladder has a rung, has rungs 25 apart. अच्छा अच्छा भैया ये सीढ़ी का समझ में आ रहा है सबको रंग्स है वो रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार कौन बताएगा जो क्वेश्चन समझा के मेरे को रंग से क्या मतलब होता है अरे यार के बीच में वो जो चढ़ने वाले रहते अरे रंग्स अरे मैंने बताया थी ना सीढ़ी एक सीढ़ी ऐसी होती है सीढ़ियों को लेकर बहुत कॉमेडी है भैया मेरे को ये सीढ़ी जब ऐसी होती है एक सीढ़ी यहाँ पर एक पैर रखने के लिए ऊपर रखने के लिए बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दिया फिर आगे चले छोटे छोटे कर दिए टूट जाती थे सीढ़ियों पे चढ़ा हूँ मैं बहुत हंसता हंसी आती थी चढ़ने में उसके चक्कर में हम लोग कुछ लगा के यहाँ चढ़ते थे पैर हाथ लगा देते वाले सर सबसे अगर ऊपर चटक गई सर जब खड़े हुए फिर क्या हो गए नीचे गिरेंगे सीधे घूमते हैं वो लोग ऐसा लगता है क्योंकि मैं गली अब गली उसमें गली उसमें गली बहुत लंबी सीढ़ी रहती है लाइट वालों की नहीं रहती खंबे पे चढ़ते अरे सर इससे अच्छा तो सर खतरों की खिलाड़ी में होता सर वो भी कई सीढ़ी है बहुत लंबी वाली अब डर तो लगेगा ना देखने में एक तो भगवान के पास वैसी उसकी एंट्री हो चुकी है ऊपर से ये दे दिया उसको मतलब परेशान करने के लिए ऐसे काम नहीं कराना चाहिए तो चुपचाप घर पे बैठा दे चली गई क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन समझाएगा मेरे को सर सर उनके बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर अब सर वो जो रंग है सर उनका साइज जैसे सीढ़ी ऊपर जाके जाए सर छोटा होता जाएगा अब तो सर जो क्या कहते हैं बॉटम वाली रंग की डेंट है वो सर 45 है और सर जो टॉप वाले की वो सर 25 है अब सर बॉटम और टॉप के रंग के बीच का डिफरेंस 2 होल 1 अपॉन 2 मीटर है और ने पूछा है कितनी बोर्ड रिक्वायर है रंग के लिए
और कौन बताएगा तुम में से? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर जो एक लैडर है उसमें जो वो बीच में डंडे लगे हुए हैं उनके बीच का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, ठीक है सर? और फिर जो वो पूरा डंडा है मतलब जिसमें वो लगे हुए हैं उनका मतलब एक एक करके डिस्टेंस कम होता जा रहा है। सर सुन रहे? हाँ सुन तो रहा हूँ मैं। और जो सबसे नीचे वाला डंडा है उसका जो डिस्टेंस है वो 45 है, मतलब जो बीच बीच में लगे हैं उनका 25 है, लेकिन जो सबसे नीचे वाला है उनका उसका 45 है, और जो सबसे ऊपर वाला है उसका 25 है, इतना हमको पता है। फिर क्या है? एक सेकंड सर। अगर सबसे ऊपर वाले डंडे की और सबसे नीचे वाले डंडे के मतलब जो उन्होंने लाइन दे रखी है पूरी उसका पूरा डिस्टेंस है 2 1/2 मीटर। तो फिर सर पूरा बनाने के लिए, तो फिर उसको पूरा बनाने के लिए कितने डंडों की जरूरत पड़ेगी? तो कर सकते हो मेरे क्वेश्चन को? तुम लोग नहीं कर पाओगे, ऋषि बताएगा मेरे को। सर फॉर्म से वैल्यू टू पुट कर दी सर, और सर आ भी गया, लेकिन सर ये समझ में नहीं आया कि सर वो फॉर्मूला बना कैसे। ऋषि की शिखर की प्रदीप की तो सुन ली थी आवाज, साथ ऋषि की आवाज ही सुनने को मिली। भैया ऋषि कहाँ है आज क्लास में? ऋषि नहीं आया क्लास में लगता, देखो यार क्लास में ऋषि नहीं है ना। नहीं वो तो उसकी आवाज चली गई। देखो बेटा तो समझ में नहीं आया, ध्यान से देखो, जो यानी कैसी लेडर है ऊपर जाके छोटी होती जा रही है नीचे पड़ रही है, क्यों बनाई जाती है ऐसी तू बताएगा? सही है, नसैनी टाइप की है। कैसी टाइप की है? नसैनी जो नीचे से चौड़ी होती है ऊपर से पतली और ऊपर एक बैठने वाली जमीन। ऐसा ऊपर से पतला और नीचे से इस तरीके का क्यों रखा जाता है, लेंथ में ज्यादा और लेंथ में ऊपर कम? इससे तो बैलेंस स्टेबिलिटी बढ़ जाती सर। क्या बैलेंसिंग? सर स्टेबिलिटी बढ़ जाती। क्या लड़ जाती? बैलेंसिंग। नसैनी और सीडी में कोई फर्क होता है क्या? इसमें नसैनी और सीडी में नहीं, एक ही होती है। नसैनी तो अपन लोगों ने रख दिया नाम उसको घर पे, जीना रख दिया जीना, किसका जीना पता ही नहीं है। माँ बाप पूर्वज बोले थे वही नाम चला रहा, जीने से चला जाओ, किसके जीने से चला जाओ। सब नाम दे रहे हो, क्या कर सकते हैं, दे दिए तो दे दिए। वो तो पत्थर वाली सीढ़ी होती ना जो घर पे बनी होती है। वो ये जीना तो... जीना बोलते उसको, जीना स्टेयर्स। कांट सी योर फ्रेंड ऑन द गो थ्रू स्टेयर्स। जीना और ये बात सब पुराने नाम के। देखिए भैया ऐसा क्यों करा जाता है कि ऊपर से पतली और नीचे से काफी लेंथ में ज्यादा, क्यों करा जाता है? ये बात तुम लोगों ने बैलेंसिंग के लिए बताई है, ठीक है। ये बात मेरे को अच्छी बताओ, कभी ऐसा कभी घर के पास किसी ने लेंटर देखा है? लेंटर जो देता है छज्जा देखा है बालकनी, आगे जब हम कोई भी चीज ज्यादा बढ़ाते हैं इस दीवार से तो इसको पतला रख देते हैं और पीछे को मोटा रख देते हैं। सर हम समझे नहीं। अभी जी चीज देखिए कभी कि आगे की चीज को पतला रख के पीछे की चीज को थोड़ा मोटा रखा जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसकी लेंथ ज्यादा होती है, इसकी लेंथ सपोर्ट के लिए है बेटा, इसलिए करा जाता है कि वाइब्रेशन बना रहे, ये टूटे ना। अगर आगे से भी तूने बड़ा कर दिया ना तो यहाँ पर लोड बढ़ जाएगा और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। आगे हमेशा कम रखा जाता है, ध्यान रखना कभी भी जे बी में जो तुम्हें अभी आगे अगर इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो पढ़ाई जाएगी, आगे चीज पतली रख के पीछे साइड में ज्यादा लेंथ में रखी जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, जैसे तुम्हारा घर का छज्जा है, छज्जा जो होता है ना ये क्या कहते हैं जो आगे का जो निकला हुआ पोर्शन लैज, उसको हमेशा क्यों रखा जाता है सर? इसलिए रखा जाता है क्योंकि आगे वाइब्रेशन होता रहेगा हल्का फुल्का, थोड़ा बहुत बीम में
हल्का फुल्का वाइब्रेशन होता रहेगा इसमें, तो ये अगर इसको बिल्कुल बराबर का रख देंगे तो ये मजबूती नहीं कहलाएगा, मजबूत नहीं होगा, हमेशा इसको पत्ता रखा जाता है थोड़ा, वो मिस्त्री ही पागल है जो इसको पत्ता नहीं रखता है। रियल चीजों में इसको पतला रखा जाता है कि आप खड़े होने के लिए चाहिए हमें कितना चाहिए तो पतले चाहिए, लेकिन वाइब्रेशन बना रहे, यहाँ पर इसकी जड़ मजबूत रहे, ठीक है, इसलिए रखा जाता है। क्या बोल रहे सर, समझ नहीं आ रहा। खम्मा कभी भी कोई लाइट का बड़ा खम्मा होता है लंबा सा, उसको ऊपर पतला रख दिया जाता है, नीचे से मोटा रखा जाता है, कभी भी देख लो क्यों रखा जाता है। सर को कुतुब मीनार भी ऐसी है, हैं क्यों रखी जाती है, ऐसा क्यों रखा जाता है बताओ। सर आवाज नहीं आ रही क्या? बेटा मेरे को आ रही है आपकी आवाज, तो मुझे समझा दीजिए सर, आप कह रहे खम्बा मुझे सुनाई दिया। अम्मा देखिए खम्बा ऊपर से जो खम्बे होते हैं लंबे पिलर होते हैं, पिलर ऊपर से पतला और नीचे से काफी लेंथ में ज्यादा रखा जाता है, क्यों रखा जाता है ऐसा बताइए। ताकि नीचे लोड ना पड़े। अरे बेटा इसलिए रखा जाता है, ज्यादा सरफेस होगा उसका वजह से वो कम पड़ेगा सर, इधर लोड कम पड़ेगा, इधर लोड कम पड़ेगा तो उखड़ेगा नहीं ये खम्मा, ठीक है जी, कितना भी लंबा ले जाओ तो टूटेगा भी नहीं, बीच में से कहीं से मुड़ेगा भी नहीं, मेरी बात समझ आ रही है। झांसे तो सर ऐसा है लेकिन आपके खम्मे ऐसा ना मोटे ना पतले बराबर सर। नहीं ऐसा नहीं, ऊपर से पतले होंगे नीचे, अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो फिर खम्मे गलत बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाले भी तो मोटे पतले होते, नीचे से मोटे रहते, तो लंबा सीधा जाता है ऊपर तक, जितना लंबा ले आना उतना लंबा ले आई, लेकिन ऊपर आपको पतला रखना पड़ेगा। कुतुब मीनार देखो, कुतुब मीनार का डिजाइन कैसा है, ऊपर से पतली होती जा रही है और नीचे से मोटी रखी हुई है, रखी है नहीं रखी है। टावर, टावर देख लो, कोई भी टावर उठा के देख लो, तुम ऊपर से पतला है नीचे से मोटा टावर रहेगा तुम्हारा, नीचे से बहुत जगह खेलेगा, ऊपर जाके एरिया कम हो जाएगा उसका, क्यों इस क्यों करा जाता है ये सब। सर जाके हर जगह सर वेट सेम हो जिससे कि वो सर खड़ा रहे ऊपर, जितनी डिस्टेंस इधर से ना मजबूती बराबर बनी रहे इसकी बेस से, इसकी ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैथ्स के साथ फिजिक्स भी पढ़ी क्या सर आपने? अरे यार मैं क्या बोला, मैंने क्या पढ़ा है पता लाइफ में? मैं एक इंजीनियर हूँ भैया, मेरे को सब चीज पता है, क्या नहीं पता, फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, क्या नहीं पढ़ा सकता तुमको? पीसीएम। अरे यार मैं तुमको कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। खम्मा हमेशा ऊपर से पतला इसलिए होता है और नीचे से मोटा इसलिए होता है क्योंकि क्या बनी रहे, फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहे थोड़ी बहुत, हल्का बोल ऐसा वैसा भी होता है, ऐसा वैसा भी होता रहे, और जो मजबूती बनी रहे नीचे बेस से इसकी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऐसी चीज इसलिए सीढ़ी इसको ऐसी बनाई गई है, लंबी सीढ़ी होगी बहुत ज्यादा लंबी, 2.5 मीटर की सीढ़ी है, इतनी लंबी भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब लंबी लंबी चीजें बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है। कभी तुमसे कोई पूछे एक चीज बताओ ऊपर से पतला और नीचे से मोटा क्यों है ये खम्मा, कभी देना, कभी आप हाईवे पे जाना जो इलेक्ट्रिसिटी की जो मरकरी लगी रहती है बहुत भयानक, स्ट्रीट लाइट लगी रहती है, जो स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं होती जो लगी रहती है ऊपर एक में तीन तीन चार चार, उसको देखना ऊपर से पतली उस पर लगी होगी और नीचे बहुत बहुत ज्यादा जगह घिरी होगी उसमें। आज के बाद ये बात ध्यान रखना, कभी कोई पूछे तो बता देना भैया, कभी अपने छोटे भाई बहनों को घूमने जा रहा है तो वो पूछा भैया ऊपर से पतला और नीचे से इतना जगह, कहीं भी पूछेंगे सर तो भी ज्ञान छाड़ देंगे। हाँ तो कहना इसलिए होता है क्योंकि ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, हवा वगैरह चलने से कोई चीज से ऊपर मतलब वेट कम रहे, इधर पे लोड कम रहे क्योंकि एक ही जगह से बंद है, वेट कम रहे, यहाँ पर इसका वेट का कम असर हो, ऊपर अगर मोटर रख दिया तो यहाँ से उखड़ जाएगा जमीन से सर, उखड़ेगा नहीं सर, इधर उधर से बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी और सर इधर उधर से उखड़ा इधर उधर हो जाएगा, बीच में से टूट भी सकता है, उखड़ भी सकता है, नीचे से ऊपर से भी तो टूट सकता है, ज्यादा लंबा जा सकते हो तो उखड़ भी सकता है, कम मत ध्यान रखना, लोड है ये लोड बेटा, हंसने वाली बात नहीं है, बहुत सीरियस बात बताई तुमको मैंने लाइफ में, कभी भी याद रखोगे तुम, याद रखना ये चीजों को, ठीक है, ये चीज बताई है तो मैंने बता दी बेटा, ठीक है, चलो सर ये वाला क्वेश्चन बता दो, स्कूल की क्लास स्टार्ट होने वाली है। हाँ बता रहा हूँ, 25 सेंटीमीटर ये है, 45 सेंटीमीटर ये, ठीक है, अब 25 मीटर पर सेंटीमीटर पर एक एक रखे हुए हैं, 25 सेंटीमीटर
25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ऐसे रखे हुए हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस जितना कितना है, ये 25 सेंटीमीटर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऐसी कुछ बनी हुई सीढ़ी आप भूले तो नहीं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये और ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? अब देखो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स रंग निकालने, टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे बताइए। 11 टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स याद करना है सर, उसको बनाना है। देखो बेटा देखो ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ रंग्स है, जो रंग्स है टोटल नंबर ऑफ रंग्स इसके बीच का डिस्टेंस से दिया गया है वो, ठीक है। ऐसे इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 2.5, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है उसमें, डिवाइड बाय कितना दिया हुआ है, 25। इसमें इनटू 100 का किया, क्यों किया 100 का इनटू, क्योंकि 25 में कन्वर्ट कर लिया। यस सर। तो क्या आया करने से बताओ, प्लस वन भी तो कर लीजिए। अरे रुक, मैं क्यों करूँ प्लस वन, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ वो चीज, मैं पहले डिवाइड करूंगा 25 से, मैं डिवाइड कर रहा हूँ 25 से, 25 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ मैं। अरे बेटा ये ढाई मीटर, पूरा ढाई मीटर है, ठीक है, इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना हो जाएगा पहले तो इतना बताओ, 250 हो जाएगा। अरे यार अभी तक सो रहा है, बताओ। यस सर 250 सेंटीमीटर हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर, और हर एक के बीच का डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है 25 है। तो इसी बताओ, हर एक के बीच का 25 डिस्टेंस है, हर एक के बीच का 25 डिस्टेंस है, बार बार बोल रहा हूँ, इसमें प्लस वन क्यों करा गया। मैं तो निकाल दी के बीच का है इसलिए। क्या है, कभी भी देखना अगर इनके बीच का डिस्टेंस चल रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कितना होगा, एक कम होगा किससे, नंबर ऑफ से, इसलिए ध्यान रखना, इसलिए वन का प्लस है वो। नहीं समझ में आ रही है? नहीं समझ गए सर, समझने वाला होगा। एक बार और समझा दीजिए। देखो बेवकूफ है सर, हमें बता दो। देखो इसके बीच का डिस्टेंस, 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 कितने डिस्टेंस हो रहा है इसके बीच में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिस्टेंस हो रहा है इसके बीच की। और हमसे क्या पूछा उसने, नंबर ऑफ रंग्स पूछे हैं, तो नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकालोगे, ये तो 6 इसके बीच के हो रहे हैं, और काउंट करो उसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 रंग्स हो रहे कि नहीं हो रहे। यस सर। मतलब इनके बीच का डिस्टेंस एक कम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और हमारे अगर रंग्स गिने जाएं अगर हम, तो एक ज्यादा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसलिए प्लस वन किया जाता है। समझ में आए बात कि नहीं आई अभी भी? यस यस सर। किसको समझ में नहीं आई अभी, फिर से बता दो मुझे, फिर से बता दो, बताओ सर तक समझ में आया प्लस वन क्यों करा गया। अरे जी सर क्यों नहीं आया सर, आप समझाएंगे तो। हाँ तो और शगुन बेटा तुम्हें आ गया? हाँ सर हमें भी आ गया। बोल तो दिया करो कम से कम, तुम मेहनत करा। अरे आपने कहा ना सर जिसको नहीं आया वो बोले। अच्छा ऐसा क्या, मैं ऐसे गलत बोलता हूँ, जिसको आ गया वो बोले, मैं ऐसा बोला नहीं। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज भूलना नहीं। बाकी कल बताएंगे, करके आना क्वेश्चन को थर्ड वाले को, कल ये एक्सरसाइज कम्प्लीट पूरी हो जाएगी, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो तो बता दीजिए, क्या हम बोल रहे थे ना सर, आपने फिर सुना ही नहीं। क्या क्या कह रहे थे बताओ। कल सर अर्थों बाद मैंने स्कूल की एक मैथ की क्लास अटेंड करी थी, तो फिर वो पूछ रहे थे क्यों नहीं आते, हमने कहा कि ट्यूशन की क्लासेस रहती, उन्होंने कहा क्या है? वो इम्पोर्टेंट है, हमने कहा हाँ सर वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिर वो हमने कहा कि सर आपने कहाँ तक करा दिया, उन्होंने कहा तुम क्या क्या पढ़ रही हो, हमने कहा आर डी शर्मा भी पढ़ रहे, तो बोल रहे हैं कि क्या फायदा करने का, आर डी शर्मा जस्ट टेंथ सी आर टी वगैरह से ही आएगा।
ठीक है कहना, कोई दिक्कत नहीं है, कहना तुम हमारा पेपर देने के लिए आ जाना। ऐसे मास्टरों को बताओ, मैं ज्ञान का भी सर्टिफिकेट यार, मेरे मेरे हाथ से कोई कुछ गलत गलत हो जाए, ऐसे मेरे को ये बातें नहीं बताया तुमने, ठीक है। अगर तुम्हें बच्चे ही बनना है तो तुम भी बड़े बड़े जाके अभी ये बोलती हूँ, कब आए अच्छे वाले ना, हाँ मैं जाके खुद ही बोलती हूँ कि सर आप कर देना मेरा पेपर। अरे लाइफ में आगे बढ़ना है, मतलब कौन है तुम्हारा स्कूल, कौन नाम बता ना उसका, क्या है नाम बताओ जरा, क्या बोल रहा है बच्चों, तिवारी, क्या पूरा नाम बोलो उसका, पूरा नाम एक सेकंड सर लिंक में देखें, ऐसे बच्चों को क्या मतलब, मतलब क्या दिक्कत क्या है उसको, बोलते ही है सर ये लोग के एनसीईआरटी से आएगा। हाँ ठीक है, एनसीईआरटी से कर लेना कहना तो। अरे वो तो एनसीईआरटी से ही देखना, हमें क्यों डांट रहे सर आप, नहीं तुमको नहीं डांट रहे बेटा, उससे बोल रहा हूँ, मेहनत खुद को करना नहीं आती ना, बच्चों को करवाना आती है, एनसीईआरटी है यहाँ पागल है हम लोग, और पेपर अगर एनसीईआरटी से भी आ गया तो मैं आड़ी समा कर लूंगी, कर भी नहीं मैंने आड़ी, शर्मा से पेपर नहीं आएगा, एनसीईआरटी से आएगा क्या ना, वो तो हमने साइड में करके रख दी क्या ना, अब जम कर रहे हैं अपने आगे के लिए, क्या तुम्हें दिक्कत है, तुम हमें क्लास में मत आया करो, तुम बस हम तुम्हें क्लास में आएंगे अटेंडेंस लगाने के लिए, ठीक है चलिए बेटा। हाँ सर सिर्फ उसी चीज के लिए जाते, जैसे जैसे टीचर है यहाँ बच्चों गलत शिक्षा दे रहे, अब सर इस बात को लेके आप पढ़ाते मत रह जाना, किस स्कूल में है ये बता दो सर, जय के बाय सर।